ड्रग विभाग की कार्यवाही लगातार जारी, नशीली सिरप बेचने वाले दहशत में, कभी भी हो सकती है कार्यवाही। रीवा संभाग में इन दिनों नशीली दवाइयों के व्यापार करने वालों की सामत आई हुई है। ड्रग विभाग की टीम लगातार छापामार कार्रवाई कर रही है। टीम जिस भी इलाके में पहुंचती है वहां पर दुकानों के शटर लगातार बंद होने लगते हैं। जो दुकानदार फंस गया टीम उसके बही खातों की जांच में जुट जाती है। हम आपको बता दें पिछले दिनों सतना में 430 पेटी नशीली कप सिरप कोलगुआ पुलिस ने बरामद की थी। उसमें नाम आया था रीवा में बालाजी इंटरप्राइजेज के नाम से दुकान चलाने वाले संजय ताम्रकार का। पुलिस ने संजय ताम्रकार को गिरफ्तार कर लिया था। नशीली कप सिरप का इतनी बड़ी तादाद में पकड़ा जाना काफी बड़ी बात थी। बात भोपाल तक पहुंची, विभाग के कान खड़े हो गए। तत्काल ही प्रदेश के कुछ चुनिंदा अफसरों की एक टीम बनाई गई और उसको इस मामले में गुपचुप तरीके से कार्यवाही के लिए कहा गया। इंदौर के धर्मेश शाह, शाहजहांपुर के प्रीत स्वरूप, बालाघाट के शरद जैन, कटनी के स्वप्निल सिंह, सतना की ड्रेस इंस्पेक्टर प्रियंका चौबे इस टीम की सदस्य बनी। टीम ने गुपचुप तरीके से संजय ताम्रकार के रिकॉर्ड की जांच की, जिसमें उसने पाया कुछ चुनिंदा कंपनियों के माल संजय ने बहुत ज़्यादा बेचे हैं। साथ ही कुछ दुकानदारों को इन मालों की सप्लाई बहुत ज़्यादा की गई है, जिसके चलते इस टीम ने लगातार छापेमार कार्रवाई प्रारंभ कर दी है। इसी क्रम में अस्पताल चौराहे के पास राजेश मेडिकल स्टोर में भी टीम पहुंची जांच करने। खबर लिखे जाने तक दुकान में नशीली दवाइयों की जांच की जा रही थी। दुकानदार के पास कितना माल है, उसने कहां से खरीदा, किससे खरीदा, कब खरीदा, यह जानकारी टीम दुकानदार से उपलब्ध कराने की बात कह रही थी। जांच के बाद ही यह तय हो पाएगा दुकान में किस तरीके का माल उपलब्ध है, उसमें कौन सा वैध है और कौन सा अवैध। बुलाए गए आपके शाहजहांपुर से बुलाए गए और सतना की एक मैडम है वो भी हमारे साथ टीम में शामिल है। फिर हमने यहाँ पर अपनी कार्रवाई शुरू की। इस संदर्भ में हम रीवा और सतना के जो DI हैं और यहाँ के जो ASP हैं उनसे हमने मुलाकात की, तो उनके पास जो माल जब्त था उसको हमने देखा, उसकी बारीकी से जांच की, तो हमें ज्ञात हुआ कि कोई डिंग्स करके बायोटेक डिवीज़न है उनका, उस कंपनी के द्वारा इस माल को बनाया जाता है। तो उसका जो हमने फर्दर इन्वेस्टिगेशन किया तो हमें पता चला कि ऑनरेक्स के नाम से और RC कॉफ के नाम से दो सीरप है उनके, जिनका कि मिसयूज़ हो रहा है। तो उनके पास से हमको कुछ बिल बुक मिले थे, जिससे हमको ये ज्ञात हुआ कौन कौन सी मेडिकल की दुकान वालों ने इनसे सबसे ज़्यादा माल खरीदा है। तो इसमें एक जो मिस्टर संजय ताम्रकार करके थे, जिनने बालाजी के नाम से अपना एक लाइसेंस ले रखा था, उस पर ये सारा माल डायरेक्ट दिल्ली से एक मानसी करके एक संस्था थी, उससे फर्म थी, उससे खरीदा था और उन्होंने 7 मेडिकल पर सप्लाई किया था। इसी तारतम में हमने थोड़े तो जो कंसर्न 7 मेडिकल स्टोर थे उनका इंस्पेक्शन किया और इससे रिलेटेड जो थोड़ी बहुत जो रूटीन इंस्पेक्शन होते हैं वो भी हमने किए। इस तरह से आज जो हमने कार्रवाई की उसमें एक राजेश मेडिकल स्टोर हॉस्पिटल के पास है उसमें इंस्पेक्शन किया, साथ ही साथ एक श्रीकृष्ण मेडिकल स्टोर की जो मनगांव में थी उसमें इंस्पेक्शन किया। वो हमसे जो डॉक्यूमेंट इन्वेस्टिगेशन संबंध में मांग रहे थे वो दे नहीं पाए, तो हमने दुकान को सील कर दिया। अभी जो पूरे हम मंगलवार से यहाँ आए हुए 16 तारीख से और आज तक हम जो कार्रवाई की, अभी तक हमने टोटल कुल 50 इंस्पेक्शन किए हैं। इन पूरे 50 इंस्पेक्शन में हमने 7 दुकानों को सील कर दिया है और 27 ऐसी दुकानें थी जिनमें औषधीय एवं प्रसाद सामग्री नियमावली का पालन नहीं कर रहे थे, तो उनको हम नोटिस जारी करेंगे। और एक दुकान जो संजय ताम्रकार जो मेन इसमें था, जिसने सबसे ज़्यादा माल खरीद कर बेचा था, उसको हमने सील भी कर दिया है एज वेल एज उसका लाइसेंस कैंसिल कर दिया है। और इस पूरी कार्रवाई में सबसे अच्छी बात जो हमें महसूस हुई कि जो सतना और रीवा के कलेक्टर महोदय और यहाँ के SP और TI, इन्होंने हमारी इस पूरी कार्रवाई में हमको बेहद मदद की, जिस कारण से हम ये कार्रवाई कर पाए। और हमें हमारे जो कमिश्नर महोदय हैं रविंद्र सिंह साहब, उन्होंने हमेशा हमको बहुत बूस्ट किया इस पूरी प्रक्रिया में, पूरी कार्रवाई में, शायद इसलिए हम इतना अच्छे से इतना सारा काम कर पाए। और आगे भी उन्होंने सर ने हमारा विशेष निवेदन मतलब आग्रह किया है हमको कि इस तरह की कठोर कार्रवाई हमें करते रहना है ताकि इस तरह की पुनरावृत्ति ना हो।